Hey guys, welcome to my channel, My Musky Gen once again. गर्मी के मौसम में ठंडा ठंडा कोल्ड कॉफी लगभग सबको पसंद है और वो अगर डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर के हिंट के साथ मिले तो उसके बाद ही कुछ और होता है ना। तो दोस्तों आज और आने वाला 3 वीडियोस में मैं ऐसे ही कुछ डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर की कोल्ड कॉफी की रेसिपीज शेयर करने जा रही हूँ। मेरा आज का रेसिपी है सिनेमन कोल्ड कॉफी। सो लेट्स मूव टू माय मस्क किचन टू प्रिपेयर सिनेमन कोल्ड कॉफी। सबसे पहले एक सिनेमन स्टिक को 1 कप दूध के साथ उबालें। कॉफी हमेशा फुल क्रीम मिल्क के साथ सबसे अच्छा बनता है, पर आप टोन मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप दूध को रूम टेम्परेचर तक ठंडा होने दें और उसके बाद 15 मिनट्स के लिए फ्रीजर में रखें। अब इस सिनेमन फ्लेवर्ड मिल्क को छान लें। दूध को एक ब्लेंडिंग जार में ऐड करें। इसके साथ 1 टीस्पून कोई भी ब्रांड का इंस्टेंट कॉफी ऐड करें और 2 टीस्पून चीनी ऐड करें। अब ब्लेंडिंग जार को कवर करके कॉफी को ब्लेंड करें। अब एक सर्विंग ग्लास ले और उसको ऐसे ही चॉकलेट सिरप से डेकोरेट करें। मैं सर्विंग ग्लास में 3 आइस क्यूब्स ऐड करती हूँ। आप चाहे तो कम या ज्यादा ऐड कर सकते हैं। आप ब्लेंडेड कॉफी को सर्विंग ग्लास में ऐड कर दें। मैं इस कोल्ड कॉफी को कॉफी बीन के साथ गार्निश करती हूँ, जो ऑप्शनल है। दोस्तों हमारा सिनेमन कोल्ड कॉफी बनकर तैयार हो गया है। इसको स्ट्रॉ के साथ सर्व करें। और अगर मेरी रेसिपी सबको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर विजिटिंग माई मस्त किचन।